बोकारो के घुटिया टांडा गांव में आज भी देवी मां को मनुष्य का खून चढ़ाया जाता है। पहले यहां नरबलि होती थी, लेकिन परंपरा में कुछ ऐसा बदलाव किया गया है कि बिना किसी की जान लिए बलि की परंपरा निभाई जाती है। बेरमो के घुटिया टांडा देवी मंदिर की परंपरा आपको चौंका देगी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में केवल इसी मंदिर में मनुष्य का खून मां भोग के रूप में स्वीकार करती है। लेकिन रुकिए, यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ किसी की बलि दी जाती है तो आप गलत सोच रहे हैं। इस मंदिर में पहले नर बलि देने की परंपरा की बात सामने आती है, लेकिन अब यहाँ के लोगों ने इस परंपरा को बिल्कुल अलग तरीके से ढाल लिया है। अब मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालु यहाँ मुर्गे को लेकर पहुंचते हैं। पुजारी मुर्गे को दाना चुका कर छोड़ देता है। उस मुर्गे को पकड़ने के लिए चीना झपटी होती है, ऐसे किसी का खून निकल पड़ता है। भक्त मानते हैं कि उसको मां भोग के रूप में ग्रहण करती है। पहले आदमी बलि दिया जाता था, अब मुर्गे के अनुसार से उड़ाया जाता है, उसमें जो खून सपाटा होता है, जो मांगाया जाता है, मांग पूरा होने पर हम लोग मुर्गा उड़ाए जाते हैं, उसी का जो हल्का फुल्का ब्लड उलड निकलता है वही देवता का भोग होता है। मानी की ये परंपरा कब से चली? परंपरा प्राकृतिक से बाबापुर का हजारों साल से पास है, जब से 54 से चल रहा है, 1954 से चल रहा है, बाबापुर का चलाया गया है। वही से पहले आदमी आ जाता था यहाँ बलि होने के लिए, अब अपने आप अपूर्वित आ जाता था आदमी बलि यहाँ होने के लिए, अब उसके अनुसार से हम लोग मुर्गा उड़ाया जाता है। उड़ाने के बाद काफी भीड़ जुटते हैं तो सारे लोग लुटते हैं, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि पूर्वज कहते थे कि इंसान का ब्लड गिरना नेसेसरी है, और शायद यहाँ बलि भी चढ़ता हो, नहीं कह सकते। तो मुर्गा जब उड़ाया जाता है और लोग लूटते हैं तो उस वक्त पे इंसान का ब्लड गिरता है, छिला के कट के, जिस तरह से बलि हो गया। ये देश का पहला मंदिर है जहाँ मुर्गे की बलि नहीं देकर मुर्गा उड़ाया जाता है। इस पूजा को देखने हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं और हजारों की संख्या में लोग मुर्गे के लिए झपट पड़ते हैं। कन्या आती थी कहीं बाहर से, मंडप के बाहर आके बैठी रहती थी, 15 तारीख को दिन उसको फिर नहा धुला के इसी नदी में सिंगार करके फिर यहाँ छोड़ दिया जाता था, और लोग कहते थे कि नहीं बलि को, मतलब बच्ची को, कन्या को बलि दिया गया। उस चीज को मतलब जैसे जैसे हम लोग जानकारी जागरूक होते गए, लोग उसके अनुसार से प्रथा को चेंज कर दिया गया, और देखे होंगे जितने मनोकामना पूरा हुआ है, ये सारे लोग मुर्गा लेकर आए हैं, जो मुर्गा को उड़ा दिया जाएगा, और अगल बगल जो इस धर्म को मानते हैं, जिस देवी को पूजा करते हैं, वो लोग उसको नहीं लूटेंगे, वो जाएंगे बाहर के लोग आएंगे लूटेंगे, टंगड़ी नोचा में जो भाग जिसको मिला नोच लिया, उसी में झगड़ा में खून जिसका गिर के जमीन में गिर गया वही माँ का भोग माँ के चरणों में लगा। बलि देने की परंपरा सदियों पुरानी थी, लेकिन ग्रामीणों ने उस पुरानी परंपरा को बिना किसी की हत्या के बदल डाला है और आज ये मंदिर आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। बोकारो से न्यूजीलैंड भारत के लिए सुरेंद्र की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।